जैसे जैसे प्रियाकांत जू मंदिर के भव्य उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की व्यस्तताएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही अपनी संस्कृति को परिलक्षित करते इस भव्य निर्माण के प्रति अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पूज्य महाराष्ट्र के 3 दिवसीय हरि मिलन सत्संग समारोह की शुरुआत की गई है। इससे 8 फरवरी 2016 तक महाराष्ट्र के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में लोग महाराष्ट्र का सानिध्य पाकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। सत्संग के माध्यम से हरि से मिलन के इन समारोहों का आरंभ हुआ है 1 मई से 3 मई तक चेन्नई में आयोजित भव्य कार्यक्रम से। आइए पूज्य महाराष्ट्र की मधुरवाणी से चलें हरि से मिलन के मार्ग की ओर। चेन्नई के बाद हरि मिलन सत्संग समारोह की यात्रा पहुंच चुकी थी पंचकुला। 4 से 6 मई तक महाराष्ट्र के सानिध्य में अनेकों लोगों ने अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आप भी भक्ति के इस मधुरस का रसपान करें। पंचकुला से आगे महाराष्ट्र का पड़ाव था जालंधर। 7 से 9 मई तक अनेक श्रद्धालुओं ने हरि और हरि से मिलन की महिमा को आत्मसात किया। आप भी आत्मसात कीजिए हरि नाम की महिमा को। चेन्नई, पंचकुला और जालंधर के बाद हरि मिलन सत्संग समारोह की यात्रा जम्मू पहुंच चुकी है। जम्मू जहां 10 से 11 मई तक आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों ने महाराष्ट्र के सानिध्य में बहती भक्ति की गंगा का आचमन किया। आइए आप और हम भी भक्ति की गंगा का आचमन करें। जम्मू से आगे यात्रा का पड़ाव था अमृतसर, जहां पूज्य महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में 12 से 14 मई तक आयोजित हरि मिलन सत्संग समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। हम भी जीवन को कृतार्थ करने वाले हरि मिलन सत्संग समारोह के साक्षी बने। अमृतसर से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की यात्रा पहुंच चुकी थी लुधियाना। जिस तरह पिछले पड़ावों पर लोग महाराष्ट्र का सानिध्य पाने के लिए उमड़े थे, ठीक उसी तरह 15 मई से 17 मई तक यहां के लोगों ने भी महाराष्ट्र की सुमधुर वाणी का रसपान किया। आइए हम भी इसका हिस्सा बने। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरे गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली
उसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के में दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमेविशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जनम जनम मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद आइए हम और आप सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भगवान की कृपा से यहाँ पर जो उन्होंने हमारी ऐसी किस्मत बनाई है कि हम ठाकुर जी के सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त करें उसका भी आनंद लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोगी भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सत मार्ग के पथिके हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी।
सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणामी, भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्वत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ा और जोर से। आइए, क्यों ना थोड़ा सा वृंदावन की गलियों में चल के श्याम प्यारे के उस आनंद में खोया जाए, उस रस में थोड़ा सा डुबकी लगाई जाए। कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम किए हैं? वृंदावन जाने का मन करता है कि नहीं है? जिन्होंने ठाकुर जी से प्रेम कर लिया है, उनका मन लुधियाना च नहीं लगता है कमरा। उनका मन कहता है कि काश असी पंछी होंदे तो उड़ जान दे, ना पेट्रोल दी लोड हैगी, ना कार दी, किसी दी, घर वालों की इजाजत की भी कोई लोड नहीं सी। प्रेम तो पंछी ही होता है ना, मन गाए। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, रज की लता पथावे राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा
नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, रज गलियों में झूम झूम के, रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, रज की लता पताने में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा
दुनिया के लिए बहुत नाचते हो, तुम्हारा ये हुनर, तुम्हारा ये रूप स्वरूप धन बल जो भी तुम्हारे पास है, दिया तो उसी ने है मेरे प्यारे। इसलिए एक बार मस्ती में झूम के दोनों हाथ ऊपर करके, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ रहना बन जाऊं गुनगुनाएंगे। चल चवीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, हर काली कोयल मन तड़पाती है। चल चवीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, हर काली कोयल मन तड़पाती है। सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का ज्ञान हो, गौ हत्या गौ माता की, गौ माता की विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में ओ। पूरा आनंद लेना है, और वो आनंद ऐसा हो जिसमें संसार इन्वॉल्व न हो। संसार में आपके पास साधन होते हैं, सुख नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, संसार में साधन होते हैं, सुख नहीं होता। यहाँ किसी साधन की जरूरत नहीं, यहाँ आनंद ही आनंद बरसता रहता है, आनंद ही बरसता है। संसार का सुख और ये आध्यात्मिक आनंद, वो तो सुख है ही नहीं, वो तो दिखावा है। संसार में नाचने वाले से करोड़ गुना अध्यात्म में रोने वाले को आनंद मिलता है, करोड़ गुना ज्यादा। आपने कई शादियां वगैरह अटेंड की होंगी, आपने देखा होगा वहां कई लोग बेमन से भी नाच रहे होते हैं, मन नहीं है फिर भी लगे हैं, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन यहां रोना भी मन से है, हंसना भी मन से है, गाना भी मन से है, और नचना भी मन से ही है। यहां जो करना है वो मन से करना, और स्वतः ही करना है, किसी का प्रेशर नहीं है हम पे। भक्ति उसी को कहते हैं जब दुनिया इन्वॉल्व ना हो। दुनिया क्या कहेगी ये विषय इन्वॉल्व ना हो। अगर तुम्हें दुनिया इन्वॉल्वमेंट, दुनिया की चिंता है कि मैं भक्ति करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, तो आपको अधिकार नहीं है भक्ति करने का, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। भक्ति सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें मालूम है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी मंजिल क्या है। कुछ लोगों का एम खाना कमाना रहता है,
कुछ लोगों का एम पार्टी सार्टी होती है और कुछ लोगों का एम इस संसार का सबसे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। हरि मिलन होगा कैसे, किस तरीके से उसे मिला जाए, किस तरीके से उस तक पहुंचा जाए, ये जिज्ञासा, ये भावना, ये श्रद्धा, ये समर्पण आसानी से नसीब नहीं होता। और जिनको हो जाए फिर उन्हें और किसी की परवाह नहीं होती, जिन्हें मिल गया है उन्हें और किसी की परवाह नहीं है, वो उठ गए। अब यहां पर एक और चीज मेरे को जो आजकल लोगों में दिखती है वो बहुत गलत है। लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब होता है पैसे वाला हो जाना, कि जब से हम भक्ति करना शुरू करेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे, हम पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। भक्ति का मतलब मकानात नहीं है, भक्ति का मतलब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है। ये तो तेरे कर्म पे है तो तुझे मिलेगा ही, अगर तेरे कर्म अच्छे हैं ये तो तुझे मिलेगा ही, लेकिन भक्ति का मतलब है इन सब को भी छोड़कर जो लोग जिसको पाने की तलाश में एक लंगोटी से निकल पड़ते। मुझे एक बात बताइए, इन राजाओं के पास क्या नहीं था जिन्हें महल छोड़ के जंगल में जाना पड़ा, जिनको वन में जाना पड़ा, क्या नहीं था उनके पास ऐसा? कुछ तो होगा जो उन्हें महलों में नहीं मिला, कुछ तो होगा जो महलों में भी रहकर वो मिस किया करते थे, क्या था? वही थी मेरे प्रभु की कृपा, वही थी मेरे प्रभु का आकर्षण, वही था मेरे प्रभु से मिलने का एक ड्रीम। ड्रीम कम्स टू मी, हमारा सपना साकार हो रहा है। सपना क्या है? हरि मिलन। दुनिया वालों से किसी से मिलने का क्या मतलब, वो कोई सपना थोड़ी है, ये तो आज नहीं तो कल मिल ही लेंगे। लेकिन हरि से मिला जाए, उस तक पहुंचा जाए, उसे पा लिया जाए, यह है सत्संग, यह है ड्रीम। मैंने आपसे कहा था बच्चों को लेके आना, आज आप लाए हो, इसके लिए शुक्रिया, इसके लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि अगर आपके बच्चे ये जान गए कि धर्म क्यों जरूरी है तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं तेरे घर में सत्युग आज से ही प्रारंभ हो जाएगा, आज से, अभी से। बच्चों को धर्म करना बड़ा हैवी लगता है, बोले भारी काम है, ये बुढ़ापे में किया जाएगा। अरे भाई, अगर तुम्हें लगता है भक्ति करना भारी काम है तो भारी काम तो बुढ़ापे में वैसे नहीं होता, होता है? एक अटैची उठा सकते हो बुढ़ापे में, और जवानी में दो दो उठा सकते हो, चाहे कितनी भी पहिए वाली आ गई हो, वो जो खींचने वाली आ गई है आजकल, फिर भी बुढ़ापे में वो नहीं खींचनी, उसमें भी तो दम चाहिए कि नहीं? ट्रॉली से उतारनी पड़ी तो पता चला ट्रॉली से ये नहीं उतरा, ये जीवन की पटरी से ही उतर गया उतारने में। अगर तुम्हें लगता है धर्म करना भारी काम है, अगर तुम्हें लगता है भक्ति करना भारी काम है, तो अभी से शुरू कर, जो उम्र तेरी आज है, अगर तुमने आज से शुरू कर दिया तो भारी काम को करने में तुम्हें भी इंजॉयमेंट मिलेगा, तुम्हें भी आनंद मिलेगा, और तुम कह सकोगे कि हाँ, आई एम एबल, मैं इस लायक हूं, मैं ये कर सकता हूं। और अगर तुमने कर दिया मेरे भाई बहन, तो आने वाली सात पीढ़ी तेरे एक कर्म से तर जाएंगी, आने वाली सात पीढ़ी। आजकल मेरे पास काफी माँ बाप आते हैं, महाराज मैनू बड़ा डर लगता है कहीं मेरा बच्चा घर छोड़ के तुहाड़ी कथा सुन सुन के बाबा जी ना हो जाए। मैंने कहा तुसी चिंता ना करो, जब मैं ही बाबा जी नहीं बना तो इन्नू भी नहीं होने देना। मैं बाबा जी हूं क्या? नहीं हूं ना, तो श्रोता भी नहीं होंगे बाबा जी। मैं तो हमेशा सिखाता हूं घर में रह के भक्ति करो, आनंद उसका नाम है। घर में रह के घर छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, लो जी छोड़ दिया तेरा घर।
बाहर गए और मन भागता रहा तो फिर काहे के बाबा जी, घर भी छोड़ा और वहां भी इच्छाएं बरकरार रही तो फिर काहे के महात्मा, काहे के संत। घर में रह के घर छोड़ दो, फिर देखो जिंदगी में कितना आनंद बरसता है, फिर देखो जीवन में कितना रंग बरसता है, फिर आनंद ही आनंद है, फिर आनंद ही आनंद है। लेकिन उससे पहले नहीं, संसार का रंग हमेशा हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान का रंग जब एक बार हमारे जीवन में चढ़ता है तो फिर हमें दुनिया की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं, श्याम रंग चढ़ जाए जादना है जाए बेड़ा पार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। ये ब्रज का रसिया है, बहुत बढ़िया। खातिर कर ले नई, खातिर मतलब समझ गए, मेहमानदारी। जैसे आपके यहाँ बड़े आप पंजाबियों को मेहमानदारी क्या सिखाएं, इनको सिखाने की लोड नहीं। ए तो इनके तो मेहमानदारी भी इनकी तरह बड़ी भारी भारी होती, इनकी मेहमानदारी भी बड़ी भारी है साहब, क्या गजब की मेहमानदारी है। इनके कटोरे भी बड़े बड़े, प्लेट भी बढ़िया, चम्मच भी बढ़िया, और एकदम बढ़िया ही बढ़िया है, कोई छोटा नहीं, कुछ छोटा नहीं, पराठे का साइज भी बड़ा है हमारा। मैं आज जब भोजन जिम रहा था तो मैंने कहा भाई यहाँ कुछ छोटा मिलता है, बोले यहाँ इतने कुछ नहीं मिलता है हमारा, सब हैवी हैगा, निश्चित तौर पे वजन बढ़ के जाएगा। चलो तुहाडे वास्ते कुर्बान कीता साडा वजन और की। हमारे ब्रज में मेहमानदारी को खातिर कभी भात बहुत भाव है। एक एक लाइन सुना रहा हूं, उसकी सिर्फ एक लाइन सुन ले। हो खातिर कर ले नई गुजरिया, नई गुजरिया जाको नए नए ब्याह है ओए, वो आइए ब्रज में, कन्हैया के गांव में, कन्हैया के गांव में आइए ब्याह के, और संग में कन्हैया अपने ग्वाल मंडली लेके पहुंच गए हैं, अपनी ग्वाल मंडली लेके वह सखी के द्वार पे पहुंच गए, और वो ग्वाल वाल कह रहे हैं ऐसा रसिया आयो आज तक, अरे खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार, आयो तेरे द्वार ये रसिया आयो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया। आप सभी ध्यान से सुनना, ये रसिया ऐसे नहीं है, तो ये रसिया तेरे रोज न आवे, ये रसिया रोज न आवे, ओ ये रसिया तेरे रोज न आवे, ये रसिया तेरे रोज न आवे, भाग्य हो दर्शन पावे, भाग्य हो जब दर्शन पावे, भाग्य हो तो दर्शन पावे, भाग्य हो दर्शन पावे, पुत्री न पलक बिछाए पलक की करले बंद के बार, पुत्री न पलक बिछाए करे करे
रसिया तेरे रोज ना आवे। अब ठाकुर जी कोई रसिया कह रहे हैं ग्वाल वाला, बताओ ठाकुर जी हमारे यहाँ को रोज आते हैं क्या? उनकी कथा तो आंतना है रोज, वो कहां से आएंगे? जो जीवन में हर रोज प्राप्त नहीं होती, हर दिन किस्मत में प्राप्त नहीं होती, और जब किस्मत ऐसी हो जाए कि हमें मिल जाए, तो इस कथा का मतलब भी है उस रसिया की प्राप्ति। गोपियों का भाग्य है कि वहां रसिया जाता है, आप लोगों का भाग्य है कि कथा के माध्यम से आपको रस प्राप्त होता है। यहां रस तो मिल ही रहा है आपको, आनंद तो मिल ही रहा है आपको। रही बात प्रश्न वहीं से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। भगवान को जानने का मतलब है अपने आप को जानना। एकदम ध्यान से सुनना, जिसने भगवान को नहीं जाना, जिसने भगवान की कृपा को नहीं जाना, इसका मतलब है कि उसने अपने आप को नहीं जाना। और बिना अपने आप को जाने अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। आप घर से निकल जाओ बिना ये सोचे कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, तो फिर तो आप भटकोगे ही शहर में। जब भी घर से निकलो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। जब आपको मंजिल पता होगी तो आप भटकेंगे नहीं, फिर आप निकल जाएंगे। रास्ता नहीं भी मालूम होगा तो किसी से पूछ लो, लेकिन पहला ध्यान करना है मेरी मंजिल क्या है। जब तक मंजिल मालूम नहीं होगी तब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती, भटकाव नहीं रुकेगा। देखिए मेरे भैया, ज्ञानियों का सबसे बड़ा फल क्या है? ज्ञानी क्या चाहते हैं? मोक्ष। और भक्त क्या चाहते हैं? भक्ति। ज्ञानियों को भगवान मोक्ष देता है पर दर्शन नहीं देता, और भक्तों को भगवान अपने आप को जब दे देता है तो फिर वो भक्त मोक्ष की भी चाहत नहीं करते। क्योंकि अगर हम मुक्त हो गए तो फिर आपका दीदार कैसे होगा, आपकी सेवा कैसे होगी, आपकी कथा श्रवण कैसे होगी, आपके चरणों का वंदन कैसे होगा, आपके दर्शन नेत्रों से कैसे, ये सब होता है। भागवत में तो यहां तक वर्णन आया है कि ये जो मुक्ति है भक्ति की दासी है। क्या है? जिसे सब लोग बहुत बड़ा, मुक्ति कोई आसान विषय नहीं है। मुक्ति कह लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसे पा लेना, अरे बाप रे, बड़े बड़े ज्ञानियों को नसीब नहीं होती तो फिर हम तो कौन से खेत की क्या है, नथिंग, वी आर नथिंग। मुक्ति की बात की जा रही है जहां मुक्ति, और वो मुक्ति भगवान के इस भक्ति की दासी है। भक्तों को क्या चाहिए? भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए, भक्तों को भगवान की भक्ति चाहिए। भक्ति करने से मेरा मन निर्मल होता है, भगवान के चरण सेवा करूं, भगवान के लिए माला बनाऊं। भगवान के भक्त जो है ना, खुले फूल लेते हैं, माला नहीं लेते। आजकल कहां है वो सेवा भाव? आजकल सब आर्टिफिशियल सिस्टम है, बेकार, सब आर्टिफिशियल है। क्या रियलिटी है? भगवान के भक्त क्या लेते? खुले फूल। खुले फूल क्यों? बोले अगर फूल खुले लेंगे तो माला बनाएंगे अपने हाथ से, और जितनी देर में माला बनाएंगे उतनी देर हरि का गीत गाते रहेंगे, और उतनी सेवा, उतना समय ठाकुर की सेवा में लगेगा। आजकल कौन लाता है माला बना के अपने हाथों से? कहां लाते हैं? आजकल मंदिर के बाहर ही बैठे रहते ने बनाने वाले, वो पहले ही हो जाने, चार माला चाय दिए, छह माला आ लो जी, वो अपने तो सेवा तो वो कर रहा है, पर सेवा वो भी नहीं कर रहा क्योंकि उसके पीछे अर्थ है, वो कर्म कर रहा है। एक भगत जी की बात मुझे याद आ रही है, भक्त भक्त सब कोई कहे पर भक्ति जाने न को, जो सर्वस्व देव हरि को साचो भक्त सोई हो। हम लोग कहते हम भक्त है, हम भक्त है। यहां कितने भक्त बैठे? कोई है?
एक कह दे कि हाँ मैं सच्चा भक्त हूं, बैठे मंदिर में सत्संग हो रहा, भक्ति तो है पर सच्चाई है क्या? अपने बेटे के बर्थडे में 20-25 लाख खर्च कर देते हैं बड़े लोग, बड़े लोगों का तो, और फिर बड़े लोगों का तो और चले जाओ। मैंने सुना है हमारे देश के एक बहुत बड़े रईस आदमी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को बर्थडे पे 30 करोड़ की कार भेंट करी, 30 या 32 करोड़ की, छोड़ो अब मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, भगवान ने उनको दिया उतना, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 30 या 32 करोड़ की कार अपने पत्नी के बर्थडे पे आप देते हो तो क्या उसी पत्नी को आशीर्वाद भगवान का मिले? इसके लिए 5 करोड़ भी परमात्मा को अर्पित करते हो क्या? मत भूलिए कि ये 32 करोड़ देने वाला भी वही है, लेकिन नो वन कैन अंडरस्टैंड। Everyone thinks I'm intelligent, but I'm sorry. आप होटल में जाके कितने भी रुपए उड़ा के आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? काश आप मंदिर में चले जाते और मंदिर में जाके वहां पर ठाकुर जी का बंगला सजाते, वहां पर ठाकुर जी की सेवा करवाते, अपने बच्चों से कहते ले इतना पैसा और जाके गरीबों में भोजन करा के आ। और सुन, ये मत सोचियो कि वो गरीब हैं, ये मत सोचना कि वो गरीब हैं, ये सोचना कि ये भी मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि इनकी भी रचना मेरे ठाकुर ने की है। जितना बर्थडे पे खर्च करते उसका 10% भी इन गरीबों में बांट दिया जाए, होटल में खाने वाले, होटल में बनाने वाले आपको दुआ नहीं देंगे, लेकिन अनाथालय में खाने वाले, अनाथालय में बनाने वाले आपको दुआ दिए बगैर रह ही नहीं सकते, वो अवश्य आपको दुआ देंगे अवश्य। माँ बाप की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उन्हें यह नहीं पता कि आखिर में बर्थडे पे बच्चे को दूं क्या, दुआ तो दे दे, दुआ दे दे, पार्टी करो नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ धर्म भी करवा लो अपने बच्चों से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भगत जी थे, खुले फूल लाते थे, सेवा करते थे, रोज खुले फूलों से माला बनाते अपने हाथों से, और माला बनाकर ठाकुर जी के पास जाते और पहनाते थे रोज़। एक दिन की बात है, उनको जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, एक वहाँ पर गुलाम, बेगम का एक गुलाम पहुँचा और उसने कहा फूलों की ये जो टोकरी है ये मुझे चाहिए, वो आखिरी टोकरी बची थी वहाँ पर, टोकरी को नहीं ले जा सकते, मैं ही लेके जाऊँगा। बोले देखो भैया आप इसका क्या करोगे? बोले मैं इन फूलों को अपनी बेगम साहिबा को दूंगा, वो प्रसन्न होंगी। भगवान के भक्त बोले देखो तुम बेगम साहिबा को दोगे आज नहीं तो कल दे लोगे, तुम्हारा तो यह बेगम साहिबा प्रसन्न हो ना हो, लेकिन मेरी नित्य की सेवा है कि मुझे अपने ठाकुर को देना ही है, ये सेवा करनी ही है, ये छूटनी नहीं चाहिए। अले बोले हम नहीं जानते तुम काफिरों का क्या तुम्हारा सिस्टम है, लेकिन हम लेके जाएंगे। बोले ठीक है, जो ज़्यादा पैसा देगा वो लेगा। बोले हाँ ठीक है, भगत जी ने कहा मंजूर है। एक पैसे की फूल की टोकरी का वो गुलाम कहता मैं 1 रुपया दूंगा, 100 गुना ज्यादा। भगत जी बोले मैं 2 रुपये दूंगा, और उस समय 2 रुपये की बहुत वैल्यू है, 500-550 वर्ष पहले 2 रुपये की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आज के 2 लाख तो समझ ही लो कम से कम। बोले 2 दूंगा। वो गुलाम बोला नहीं ठीक है मैं 10 दे दूंगा। बोले मैं 50 दूंगा, 100, 125, 150, 1000, 10000, 20000, 25000। गुलाम बोला मैं 50000 दूंगा। भगत जी बोले मैं 1 लाख रुपए दूंगा। कितने के? एक पैसे की फूलों की टोकरी के 1 लाख। गुलाम बोला इतनी महंगे फूल की टोकरी लेके जाऊंगा तो बेगम घर से और निकाल देगी, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, गुलाम ही तो हूं, बादशाह तो हूं नहीं। बोले ठीक है तुम ही ले जाओ, चले गए, गुलाम चला गया। अब जो माली था, जो फूल बेचता था, उसने कहा महाराज एक बात बताओ, मुझे तो आप इतने रईस दिखते नहीं जो 1 लाख रुपए आप पे होंगे, आपने तो मेरे 50000 भी मरवा दिए लगते हैं।
ये तो गुलाम है, ये तो बड़े भाई वहां नौकरी करता है, इसे तो मिल ही जाएगा, ये तो दे ही देता। भगत जी कहते हैं चिंता मत कर, मेरा घर पैसा खेत गोल्ड ये जितना भी लगा के सब टोटल करेगा तो 1,00,000 से ऊपर बैठेगा, और तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैं आज से अपना सब कुछ तेरे नाम करता हूँ, आज से सब कुछ तेरा, तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, तू लॉस में नहीं, तू प्रॉफिट में रहेगा। अपना सर्वस्व दे दिया उसे, और फूलों की माला बना के श्रीनाथ जी के पास पहुँचे और श्रीनाथ जी को जाके वो माला पहनाई। जैसे ही श्रीनाथ जी को माला पहनाई, ये माला एवरीडे पहनी जाती है, आज भी पहनाई जा रही है, पर आज में और दिनों में अंतर था, इसलिए आज स्वयं श्रीनाथ जी ने अपना सर नीचे किया, अपना सर झुकाया। और सर झुकाकर उस माला को स्वीकार किया। गोसाइयों से बात होती थी उन दिनों में, महाराज भगवान की उन दिनों बात करते थे, तो गोसाइयों ने कहा प्रभु ये माला तो रोज लाते हैं भगत जी, आज इसमें क्या हो गया, आज तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो रोज तो आप कभी सर नहीं झुकाते थे, आज क्यों झुकाया। तो मेरे प्रभु कहने लगे गोसाई जी जो आज बात है वो हर दिन कहां थी, आपको पता नहीं आज नया क्या हुआ है, आज ये भक्त मुझे माला पहनाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा कर आया है, और जो जीव मेरे भक्ति के लिए मेरी सेवा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं ऐसे लोगों का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, मेरा सर उनके आगे झुक जाता है। उधर गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, उधर भगत जी के नेत्र सजल हो गए, और ठाकुर मंद मंद मुस्कुराने लगे और हृदय से लगा लिया और कहने लगे तुम जैसा कोई नहीं हो सकता, तुम ही हो, जो अपने आप को लुटा दे, जो अपने आप को मिटा दे सेवा के लिए। आज हम और आप क्या है, हम भगवान के जाते हैं कितनी कंजूसी करते हैं हम और आप, ऐसा नहीं है, है नहीं है, मंदिर में कितना चढ़ाते हैं जाके बताइए, किसी भी मंदिर में आप जाते हो, किसी भी मंदिर में ईमानदारी से बताओ क्या तुम अपनी औकात के हिसाब से चढ़ाते हो ना, औकात से ज्यादा मांगते जरूर हो, चढ़ाते नहीं हो। किसी साधु की सेवा, किसी ब्राह्मण की सेवा अपनी औकात के हिसाब से भी नहीं करते हो आप, भगवान की सेवा भी अपनी औकात के हिसाब से नहीं करते हो आप, कितना चढ़ाते हो बता तो दो। आज एक माता जी आई थी मुझसे मिलने, शायद यहां होंगी, ₹5 की नोट देखी आपने, मुझे तो बहुत दिन हो गए 5 नोट देखे, वो जब चढ़ी तो मैं सोच रहा था ये भारत की मुद्रा है कि डॉलर है, नहीं पंजाब से काफी लोग बाहर रहते हैं ना, तो यहां तो डॉलर भी चढ़ा सकते लोग। एक गजब की बात है मेरे भाई बहन, जब भी हम भगवान के समक्ष जाते हैं हमारी कंजूसी हमारे आगे प्रकट हो जाती है, और जब दुनिया के आगे जाते हैं तो हम सहनशाह बन जाते हैं। एक होटल में आप बताइए वेटर को 5-स्टार होटल में कितना टिप देते हो आप लोग, जितना 5-स्टार होटल के टिप है क्या उतना ये गरीब को देते हो, बोलो देते हो, देते हो तो मान जाओ, नहीं देते हो, वो होटल वाले टिप जो दे रहे हो उसे तो पैसा मिल रहा है ऑलरेडी, लेकिन जिस गरीब को तुम इग्नोर कर रहे हो उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है आपके बताने के लायक है, बताना जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं। एक व्यक्ति यंग बच्चा रोज मंदिर जाया करता था, और रोज मंदिर जाता था
तो वहां एक भिखारी को बैठे हुए उसने देखा, और भिखारी की बड़ी गजब सी दशा है, अजीब सी दशा है उस भिखारी की। हाथों में दम नहीं है, हाथ आगे का पोर्शन नहीं, पैर भी नहीं, उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, और शरीर में कोड भी है, जगह जगह से रक्त भी निकल रहा है। वो बच्चा रोज जाता है, रोज मंदिर जाता है, उस व्यक्ति को देखता है, वो व्यक्ति रोज मांगता है, मुझे रुपए दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा, रोज मांगता है। वो व्यक्ति, वो जो यंग बच्चा है, वो कहता है देखो इस व्यक्ति को कितना मोह है अपनी जिंदगी से, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर में तमाम रोग है, फिर भी जीने की इच्छा है, जीना किसके लिए है। वो व्यक्ति एक दिन उस भिखारी के पास पहुंचा और उस भिखारी से कहने लगे, बाबा बुरा मत मानना, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, तुम यहां अभी भी भीख मांग रहे हो, आखिर जीना क्यों चाहते हो, हाथ है नहीं, पैर है नहीं, कोड लगा हुआ है, इतने रोग लगे हुए हैं, फिर भी तुम जीना चाहते हो। अरे तुम्हें अगर मांगना ही है तो भगवान से कहो मुझे मौत दे दो, मुझे संकट से मुक्ति दे दो। मुक्ति क्यों नहीं मांग लेते, मौत क्यों नहीं मांग लेते। तो भिखारी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने मौत नहीं मांगी होगी, मैंने उससे मौत मांगी है, लेकिन वो देता नहीं, क्यों, वो तो बहुत जाने क्यों नहीं देता। लेकिन तुझे बताऊं मैं एक बात भैया, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मैं हमेशा से ऐसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं अभी नहीं जाऊं, मैं इस मंदिर के सामने बैठकर समाज के लोगों को एक उदाहरण पेश कर सकूं। तुम्हें पता है कल मैं वहां था जहां आज तुम हो, एकदम ध्यान से सुनना मेरे भाई, कल मैं वहां था जहां आज तुम हो, और मुझे ठाकुर जी इसलिए मौत नहीं देते कि कल कहीं तुम वहां ना आ जाओ जहां मैं हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे आगे बैठा रखा है कि अच्छे समय में अच्छा कर्म कर लो, बुरे समय में अच्छे काम नहीं हो पाते हैं। और जो इंसान अच्छे काम, अच्छे समय का सदुपयोग न कर सके, आई एम सॉरी टू से, वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। अरे उस शुक्राना अदा करो उस परम पिता परमात्मा का, जिस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें अच्छा वक्त दिया है, तुम्हारे हाथ पैर नाक कान सब कुछ है, अगर है तो आज से भक्ति शुरू करो। पैसा होना ना होना बड़ी बात नहीं है, मनी इज नॉट बिग थिंग, मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, राइट ना। इंग्लिश मीडियम कौन कौन बैठा है यहां, प्लीज से इंग्लिश मीडियम बोले, उड़ाना जो जो है सब उठाओ, सरकारी में पढ़े हो, जो जो इंग्लिश में पढ़ा बोलो, इंग्लिश मीडियम में जो जो पढ़ा हाथ उठाओ, उठा दे, हाय हाय मेरा बच्चा, शर्म आ रही है, कैसे कह दें, अब सिखा रहा हूं, सुनो, इंग्लिश में कहते हैं ना, मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, आगे, और उन्हें इंग्लिश मीडियम में करेक्टर लेस बनाया जाता है, जहां अंग्रेजी में यह सिखाया जाता है करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, वहीं पर करेक्टर लेस सिखाया जाता की शिक्षा दी जाती है। They are not teaching me how to respect our parents. They are not teaching me how to respect our religion. वही इंग्लिश मीडियम के लोग कहते हैं माथे पे टीका नहीं लगाना, हाथ में कलावा मत बांधना, कल्ले में कंठी मत बांधना, क्यों तेरे बाप का राज है, आई एम कमिंग हियर फॉर एजुकेशन, आई एम कमिंग नॉट फॉर चेंजिंग माई रिलीजन, आई एम कमिंग हियर फॉर ओनली टेक एजुकेशन, रिसीव एजुकेशन, अचीव एजुकेशन, और दिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई पे यू मच मनी,
यस और नॉट, यस और नॉट। कितने गजब का हिंदुस्तान है, पैसा देकर अपने बच्चों को करेक्टर लेस बना रहा है, वहां पैसे देकर अपने बच्चों को गीता पढ़ाई जा रही है और यहां पैसे देकर मिनी स्कर्ट पहनाई जा रही है, हाथ माथे से तिलक हटाया जा रहा है, गले से कंठी हटाई जा रही है, हाथ से कलावा, और फिर कहते हैं बी प्राउड आई एम इंडियन। अरे मार खींच के तेरे में इंडिया का एक भी गुण है क्या? ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे कल से ही अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में से निकाल लोगे। मैं निकालना नहीं का, मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन है मजाले कोई प्रिंसिपल मेरे बच्चों से कह दे कि माथे पे तिलक मत लगाना, कह के दिखाए, हिम्मत है उसमें? उसी के घर में बैंड बजाएंगे जाके, उसी के घर में। वो लोग इतनी कहने की हिम्मत इसलिए कर लेते हैं बिकॉज माय पेरेंट्स आल्सो मॉडर्न, दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिलक, कलावा, कंठी, दे डोंट नो। उन्हें तो लगता है एक पैक मिल जाए शाम को हो गई भक्ति। हे मेरे भाई बहन, जितने भी यंग बच्चे बैठे हैं, मैं आपका पेरेंट्स तो नहीं हूं लेकिन आपका वेल विशर जरूर हूं। अगर अच्छा लगे तो मान लेना जीवन में, क्योंकि अच्छा ही काम आती है, बुराई कभी काम नहीं आती। बुराई तो नाश कर देती है, जीवन को मिटा देती है। और ये सच है, दुनिया में सुधारने वाले लोग ज्यादा नहीं आते, बिगाड़ने वाले ज्यादा आते हैं। और विशेष तौर पर यंग बच्चों को एक ही बात कहूंगा, अपने फ्रेंड्स सोच समझ के बनाना। अगर वो करेक्टरलेस है तो तुम्हें भी वही उपदेश देगा। अब मैं एक बात पूछ लूं, कौन कौन एवरीथिंग को स्केयर किए बैठा है? किस किस के पास एवरीथिंग सेफ है? आंखें झुक जाएंगे, बता नहीं सकेंगे, बिकॉज माय एवरीथिंग इज गॉन। जब तुम मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे हो तो मेरे ठाकुर से नजर कैसे मिलाओगे रे? कैसे मिलाओगे ठाकुर से नजरें? वो तो कहता है तू मेरा बन के मेरे पास आएगा तो मैं तुझे अपनी सब कुछ तेरे ऊपर लुटा दूंगा। लेकिन मेरा सब कुछ है क्या मेरे पास? मनी इज नॉट एवरीथिंग, हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, बट माई करेक्टर इज एवरीथिंग। देन वेयर इज माई करेक्टर, वेयर इज? करोड़ों लोगों का संग जो तुम्हें करेक्टर लेस बनाते हैं, जिन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, जिन्होंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और शायद ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता, और माँ बाप पता कर भी लेंगे तो कौन से खाक, वो भी तो ऐसे ही है। लेकिन क्या मेरा कृष्ण मुझे माफ करेगा? मेरा गोविंद मुझे माफ करेगा? ना, नहीं करेगा। कर भी सकता है एक शर्त पे, आज स्वीकार कर कि मैं गलत हूं और आज के बाद वो गलती दोबारा मत करना। आज से ही शरणागति स्वीकार कर ले, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं। जब ये स्वीकार कर लोगे फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं। बताइए कौन सुधरना चाहता है? आज से ऊपर करने पड़ेंगे, हाँ, एक हाथ, दो नहीं। कौन सुधरना चाहता आज से? पक्का? जिन जिन ने हाथ ऊपर किए हैं सुधरने के लिए, उन्हीं में से एक हाथ और उठाएंगे वही लोग, उन्हीं में से किन किन के गुरु नहीं है, जिन जिन के गुरु नहीं है वो भी नहीं। एक उठाओ ना, दो क्यों उठा रही हो? दो गुरु बनाओगी? एक तो संभलता नहीं, दो गुरु बना, एक मंत्र के लिए तो टाइम नहीं है। हाथ उठाओ ऊपर, जिन जिन के गुरु नहीं है वो। पक्का? नीचे करो हाथ। इसकी शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए, और पहली सीढ़ी है गुरु, उनकी शरण में चले जाओ, उनसे दीक्षा लो, और उनसे दीक्षा लेने के बाद अपना संबंध आज से ठाकुर जी से जोड़ लो।
कल नाम काल का है, बीता हुआ कल तुम ला नहीं सकते, आने वाला कल तेरे हाथ में नहीं है, जो भी है वो प्रेजेंट है अभी। तो डिसीजन आज लो कि हां मुझे कृष्ण का बनना है, हां मुझे गोपाल का, किस किस को बनना है वो तुम देखो। और इसकी शुरुआत है गुरु मंत्र दीक्षा। दीक्षा लें और दीक्षा उनसे लें जिनको आप समझते हो कि हां ये मेरे गुरु बनने लायक है। और अगर लगता है कि वो मेरे गुरु बनने लायक हैं तो फिर उनके चरण कभी छोड़ना मत, उनकी उंगली कभी छोड़ना मत। चाहे दुनिया कुछ भी कहे पर तू पकड़ के बैठ जा। अगर तू पकड़ के बैठ गया तो तेरा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इसी गुरु के विषय में एक कथा बहुत प्यारी याद आ रही है, बालक प्रहलाद की। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, वो भी शायद कलयुगी बाप की तरह ही थे। वो कहते थे मैं भगवान को नहीं मानता, और वो तो भगवान को अपना शत्रु मानते थे। कौन? हिरण्यकश्यप नारायण को अपना शत्रु। और आजकल भी तो कई देवियां मुझसे आके कहती है महाराज हमारे पति सेवा नहीं करने देते, हमारे पति भगवान को नहीं मानते। डोंट वेरी, वो भी लाइक हिरण्यकश्यप ही है, सच्ची बात है, इसमें क्या झूठ है। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती हो, जिस घर में भगवान को माना नहीं जाता हो, वो राक्षसों के भी राक्षस हैं। और भाई कैसे मानेंगे जहां रोज शाम को बोतलें खुलती हूं, वहां भगवान की क्या जगह बची है? जिन घरों में रोज शाम को बोतलें खुलती हूं वहां भगवान की जगह है? नहीं है। फिर वो बच्चे करना चाहें तो बोले उन्हीं के लिए मुश्किल है, तो क्या छोड़ दें? बोले छोड़ना बिल्कुल नहीं। फिर उस समय आपको विभीषण बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? विभीषण कहां रह के भक्ति करते हैं? लंका में। कहां रहते हैं? रह के रावण की नगरी निसाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, फिर भी भरकस विभीषण निभाते रहे, ओ मन से जपता सदा राम का नाम था। भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित ग्रह। क्या लिखा हुआ है भवन के बाहर गेट पे? क्या लिखा हुआ है? श्री राम का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हमारे घर के बाहर क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। मैं हंस रहा हूं तो बोलो, गलत कह रहा हूं तो बोल दो, हां आप गलत कह रहे हो। नहीं लिखा रहता? क्या लिखा रहता है? कुत्तों से। अब कुत्ते कौन है? हु इज डॉग लिविंग इन इनसाइड। और सही है, आज की प्रवृत्ति कुत्ते की तरह ही हो गई, आज के मानव की प्रवृत्ति। इसलिए सही लिख रखा उसने कुत्तों से, सही लिखा है ना। बोले कुत्तों जैसी क्यों होगी प्रवृत्ति? बोले कुत्ता हमेशा एक ही चक्कर में डोलता है, कहीं से भी हड्डी मिल जाए। वो रात दिन एक ही चीज के लिए मेहनत करता है, किसके लिए? हड्डी के लिए। और आजकल का इंसान किसके लिए रात दिन मेहनत करता है? तो प्रवृत्ति है कोई कि नहीं? एक चीज में अंतर है, वो फिर भी ईमानदार होता है, ये तो अपनी मां से भी झूठ बोलता है। वो फिर भी ईमानदार है और ये फिर भी झूठ बोल रहा है, ये बड़ा अंतर है। जितने भी बच्चे यहां बैठे, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, हो सके तो अपने मां बाप का दिल मत दुखाना, कभी मां बाप से झूठ मत बोलना। अगर तुमने मां बाप से कभी झूठ नहीं बोला, दिल नहीं दुखाया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाई बहन, तेरे जीवन में अगर कोई कठिनाई आ भी गई तो तेरे मां बाप की दुआएं उस कठिनाई को अपने प्यार से, दुआओं से दूर कर। प्रहलाद
जिनके पिता हिरण्यकश्यपु भगवान को शत्रु मानते हैं, और माने क्यों नहीं, वरदान मांग लिया था। क्या वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न नारायण से, अगर कुछ बच गया हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। ये वरदान मांगे, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूं। अब जिसको इतने वरदान मिल जाए, जब भगवान ज्यादा धन दे दे, भगवान ज्यादा बड़ा स्ट्रांग पद दे दे, घमंड तो होता ही है, होता है कि नहीं। 5-स्टार होटलों में, पब में, क्लब में, डांस बार में अधिकांश अमीरों के बच्चे जाते हैं कि गरीबों के, अमीर जाते हैं कि गरीब, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। अभी प्रधान जी हमें बता रहे थे कि महाराज यहाँ कॉलोनी वाले कहते हैं जितना डोनेशन चाहिए ले लो, लेकिन हम मंदिर नहीं आते। और जो मंदिर नहीं आते वो डिस्को जरूर जाते हैं, हाँ या ना, पार्टियां जरूर करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अगर तुम्हें अपने घर से मंदिर दूर लगने लगे तो समझ लेना कि नर्क तुम्हारे बहुत पास में है, नर्क तुम्हारे बहुत पास में है। तुम्हारे पास धन हो, पद हो, मान हो, सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, उसके बाद भी अगर भक्ति बनी रहे तो समझना कि तुम मानव जीवन का राइट यूज कर रहे हो। और इन चीजों के आने के बाद अगर कहीं तुम भगवान से दूर हो गए तो समझना कि हो गया विनाश शुरू। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो एक ही दंड मिलेगा, वो है मृत्यु दंड, सबको मृत्यु दंड मिलेगा। अब हमारे हिंदुओं में एक चीज की अच्छी बात है, ब्रज में कहावत है, जित को दिखे भरी परात, उत को नाचे समिया रात। इनसे पूछो आप किस देवता को मानते हैं, ये हर देवता को मान लेते हैं, ये मानते उसी को जो इनको देता हो। कई लोग तो पेड़ की पूजा करते रात के 12 बजे जाके, पेड़ की, क्यों, मुझे जो दे दे वही भगवान है। भगवान ने तो तुझे मानव जीवन दिया, पहले ये पता कर दिया किसने। तू कहेगा मम्मी पापा ने, तो मम्मी पापा तो किसी को पैदा कर ही नहीं सकते। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको शादी तो कर ली लेकिन बच्चे नहीं है। मैं भी यहां एक आध लोगों को आप जानते होंगे ऐसे को, जिन पे सब कुछ है पर औलाद नहीं है, बोलिए जानते हो कि नहीं एक आध को। तो उन्होंने भी तेरे मम्मी पापा वाला ही काम किया था, शादी भी की, सब कुछ किया, फिर भी औलाद नहीं हुई। तेरे मम्मी पापा के तू हो गया, इसका मतलब है ठाकुर जी तुझे उनके माध्यम से लाना चाहते थे, उनके यहां नहीं आना चाहते, दैट्स इट। ठीक है कि नहीं, जोर से बोलो हाँ या ना। फिर ये बात समझ में नहीं आती, हिरण्यकश्यप उनका बेटा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं भगवान हूं, सब कहते हाँ जी आप ही हो, मरे कौन, सब उन्हें भगवान मानने लगे। लेकिन भगवान तो भगवान है ना मेरे प्यारे, जब देखा कि अंधेरा बहुत बढ़ रहा है तो उनको लगा कि एक दीपक की जरूरत है, तो उनको दीपक जलाने की आवश्यकता पड़ी। तो एक दिन प्रहलाद मॉर्निंग वॉक पे, मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़े निकले, जितने भी आलू के पराठे यहाँ बैठे हैं प्लीज मॉर्निंग वॉक किया करिए, हेल्थ ठीक रहेगी, जरूरी है। देखिए वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, जरूर जाया करिए। अरे भाई हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा धन तो तुम्हारा पहला शरीर है, अगर ये ठीक है तो सब ठीक है, इसको ठीक रखो। क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं, जोर से बोलना। तो मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी सुबह सुबह नगर में भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय उनकी नजर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली पे पड़ी, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली पे पड़ी तो वो 6-7 साल के प्रहलाद उससे पूछने लगे, क्यों रो रही है, क्या बात है, बुला किसको रही है। बोले जगदीश को, प्रहलाद जी को लगा मेरे पिताजी को बुला रही है। तो प्रहलाद जी बोले जगदीश तो अभी सो रहे हैं, अभी विश्राम में है।
तब वो बर्तन बनाने वाली कहती है, तुम्हारा जगदीश सो रहा होगा, मेरा जगदीश नहीं सोता, मेरा जगदीश कभी नहीं सोता, मेरा जगदीश तो हमेशा 24 घंटे अपने भक्तों की सेवा में तत्पर तैयार रहता है, हमेशा हमेशा। अब आप एक बात बताओ, कितने मंदिरों में आप जाते हैं, आपने कहीं भगवान को बैठे हुए छवि में दर्शन देखा, किया कभी? जवाब दीजिए। अधिकांश भगवान की छवि कैसी है? 99% जहां भी आप भगवान का दर्शन करेंगे वहां भगवान खड़े हुए हैं। किस लिए? भगवान कहते हैं कभी मेरे भक्त को जरूरत पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पहुंचने में विलंब हो जाए, इसलिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं कि तू बुलाए और मैं दौड़ पड़ूं। और उसके बावजूद भी हमारे भक्त कहते हैं कि भगवान आंदे नहीं। अरे ओ बाप रे ओ, तुसी बुलांदे नहीं। बहुत प्यारा भजन है, असी गांदे ने पहले, हुण तो नहीं गांदे क्योंकि पंजाबी च बीच बहुत कम जाना होना है ना? बहुत प्यारा भजन है, इसी से संबंधित है। भगवान कहते हैं स्वयं, प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला। मीरा ने बुलाया सी, थोड़ा थोड़ा आया सी, बुलाया सी थोड़ा थोड़ा आया सी। मीरा ने बुलाया सी, थोड़ा थोड़ा आया सी, मीरा ने बुलाया सी, थोड़ा थोड़ा आया सी। मीरा वाला प्यार दिखांदे नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। मीरा वाला प्यार दिखांदे नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। साग खिलांदे नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। धन्ना वाला साग खिलांदे नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल सानू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला खिलांदे।
वाला हो हो गोपियों वाला गोपियों वाला मान खेलाते नहीं गोपियों वाला मान खेलाते नहीं पेड़ गंदे मुले वाला नहीं की बोलना पेगा जोर नाल बोलना पेगा और जोर से बोलना पड़े पेर कहंदे मुरली वाला साडा की कसूर जब तुसी मैनू बुलाओ ही ना ठाकुर जी कहंदे ने ऐसा नहीं है उसका काम है आना वो आएगा लेकिन कोई बुलाने वाला चाहिए क्या बोलना पड़ेगा जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से तो मेरे भाई बहन प्रहलाद पहुंचे उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को पूछा कि तू रो रही है तेरा जगदीश कौन है मेरा जगदीश तुम्हारे जगदीश से अलग है तुम्हारा जगदीश मेरा नहीं तुम जगदीश नहीं मानोगी तो इसकी सजा क्या होगी वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुमारी कह रही है सजाते जो सजा से डरे वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता वो तो कायर है वो तो बुजदिल है जिसे सजा से कोई डर न लगे वही सच्चा भक्त है हमें कोई डर नहीं तो मानो या मत मानो ये सच है कि तुम्हारा पिता जगदीश नहीं और अगर तुम कहते हो तुम्हारा पिता जगदीश है ध्यान से सुनना मेरे बच्चों जितने भी यंग बच्चे यहां बैठे हैं एकदम केयरफुल होकर इस संसार में जो मिरेकल होते हैं जो चमत्कार होते हैं वो मेरा कृष्ण करता है दुनिया में कोई कर नहीं सकता तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है तुम ये कह सको कि भगवान नहीं होता ये झूठ है वो था है और रहेगा तीनों कालों में वो मौजूद है भूत भविष्य और वर्तमान प्रहलाद जी कहते ठीक है तुम कहती हो कि मेरा पिता जगदीश नहीं है तो बताओ जगदीश कौन है प्रहलाद जी से कहती है तुम अपने पिता को जगदीश मानते हो तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा पिता अग्नि में गिरी हुई किसी वस्तु को बिना जले बचा सकता है अग्नि का स्वभाव है जला देना क्या तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत है कि अग्नि को वो कह दे कि तू जलाइयो मत क्या अग्नि में गिरी हुई किसी वस्तु को बिना जलाए तुम्हारे पिता बचा सकते बोले नहीं ये तो अग्नि का काम है जो जाएगा जला देगा बोले मेरे जगदीश में हिम्मत है मेरे जगदीश की ये बाएं हाथ का खेल है वो अगर चाह ले तो अग्नि में गिरी हुई कोई वस्तु जल नहीं सकती ये कैसे संभव है बोले ये संभव है इस मिट्टी के बर्तनों का जो ये भंडार लगा हुआ है इसमें जो आबा में जो आग लगी हुई है इसमें बिल्ली के बच्चे रह गए हैं अंदर जिसके लिए मैं जगदीश को पुकार रही हूं मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने इस आबे में आग लगा दी इस आबे में मैंने आग लगाई है क्या तुम्हारे पिता इन बिल्ली के बच्चों को बिना जले निकाल सकते बचा सकते अरे बाबरी हो गई है क्या जो अग्नि के हवाले हो गया उसे कौन जलने से बचा सकता है बोले मेरा जगदीश बचा सकता है जिसे कोई नहीं बचा सकता उसे मेरा जगदीश बचा सकता है जिसको तू बचाने पे आवे आग में भी बचा के दिखावे तेरे बस में अंधेरे उजाले मेरी नैया है तेरे हवा डूबतों को बच
बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। हे प्रभु, आप अगर चाहो तो क्या नहीं कर सकते। बोलिए, संभव है कि तुम्हारा जगदीश अग्नि में बिना जले इन बिल्ली को बच्चों को बचा सके? बिल्कुल है। और नहीं हुआ तो बोले जो तुम कहो सो। आज मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुमारी किससे शर्त रख रही है? राजकुमार से। एक बात याद रखना, जिनके पास में धन होता है उनके पास अभिमान अधिकांश होता है, जिनके पास पद होता है उन्हें अभिमान रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पे पद है और धन है और अभिमान नहीं, बहुत कम। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, अस को नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। ज्यादा लोग नहीं है जिन्हें प्रभुता मिल जाए और अभिमान ना हो, हो जाता है। अब राजकुमार तो है, अभिमान क्यों नहीं होगा? है अभिमान। अगर नहीं हुआ तो बोले नहीं हुआ तो सुनो, अगर ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो जो तुम सजा दोगे मुझे मंजूर है। प्रहलाद कहते तो शर्त लगी, लगी मंजूर। शर्त क्या है? अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे, जो तुम कहोगे, तुझे मां का दर्जा दूंगा अपनी का। राजकुमार कह रहा है मिट्टी के बर्तन बनाने वाली से, अगर ये बिल्ली के बच्चे बचे तो मां का दर्जा दूंगा तुझे, और अगर नहीं बचे तो जिंदा तेरी खाल में भूसा भरवा कर दीवाल में चिनवा दूंगा। मंजूर है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कहती है मंजूर है। एक राजकुमार से शर्त रख ली, मंजूर है। और वो कुमारी कहती है, ईश्वर जगदीश मुझे मरने का गम नहीं है, अगर मैं मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, ये दुनिया तो आनी जानी है, हम सब की यही तो कहानी है, मरना तो पड़ेगा। वी हैव टू वन डे डाई, निश्चित तौर पर। कौन है ऐसा जो हमें रोक ले बचा ले? निश्चित है ना, कंफर्म है ना। इस बात का गम नहीं कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि अगर आज बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो यह राजकुमार अपने झूठे बाप को ही जगदीश मान लेगा। मुझे तो आज नहीं कल मरना ही है, पर जगदीश तुम्हें सोचना होगा, इस बच्चे को क्या दिखाना है, इस बच्चे की भक्ति को बचा लो, इसके अंधविश्वास को तोड़ दो, जो ये अपने पिता को ही जगदीश मानता है। उस कुमारी ने दिल से आवाज लगाई, प्रार्थना की, पुकारा। जैसे ही उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाली ने सच्चे दिल से पुकार की, देखा कि वो मिट्टी का जो बर्तन पकाने वाला जो लावा था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और वो इतना ठंडा हो गया, एकदम से शांत हो गया। जिसमें अभी बड़ी जोर जोर से आग लग रही थी वो एकदम से ठंडा हो गया, और अब उसने बर्तन हटाना प्रारंभ किया। और जब बर्तन हटाना प्रारंभ किया तो एक भयंकर सा वहां पर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि सबकी आंखें चौंधे आ गईं। एक बहुत बड़ा तेज वहां पर उपस्थित हुआ, इतना बड़ा प्रकाश उपस्थित हुआ, और उस प्रकाश में स्वयं नारायण भगवान बिल्ली के बच्चे लेकर प्रकट हुए। अब प्रहलाद उनकी सुंदरता देख रहे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, इतनी सुंदरता आज तक इन आंखों ने कभी देखी नहीं, आज तक नहीं देखी, और आज अचानक से इतनी बड़ी सुंदरता देख ली। कैसे हैं वो? मुकुट सिर मोर का,
मेरे चित चोर का है। बड़ा प्यारा भजन हैगा, गाना नहीं। मुकुट सिर मोरी का मेरे चित चोरी का, किसी ने खड़ा नहीं होना, सिर्फ यंग बच्चे नु छुट्टी है, सबनु नहीं, सबनु नहीं, जिनका मन करे सिर्फ वो, सिर्फ वो। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, सुने न सरकार के कटिल है कटार से, सरकार के कटिल है कटार से, मुकुट सिर मोर का, कमल ल जाए तेरे नैनों को देख के, कमल ल जाए तेरे नैनों को देख के, दूरी घटाए तेरी कजरे की रेख पे, दूरी घटाए तेरी कजरे की रेख, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, सो चांद गए पार के, सो चांद गए हार के, उने न सरकार के कटिल है कटार से, उने न सरकार के कटिल है कटार से, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तूने नजर मार के कटिल कटार से, तूने नजर मार के कटिल कटार से, शिरारे पास में
ताली बजाओगे तो शर्म की बात है। जिनको ताली बजानी वो बैठ जाइए, बैठिए। और मैंने यंग बच्चों को कहा था, आप भी यंग हो गया हैं, बड़ी जवान हो रही हो, बैठ जाओ सब। और सिर्फ बच्चों को, अब बच्चे खड़े होकर ताली नहीं बजाएंगे। बता दीजिए पूरे देश को कि अब हमारे भारत में नौजवान फिर से जागृत हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती में झूम के रखिए कहते हैं। और जो जो गोपी है वो तो रख ही ले, और जिनको लगता है कि हम कुछ भी नहीं है कन्हैया के वो मत रखना, यहां रखिए। जो जो गोपी भाव है जिनमें, पक्का दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चिट्ठी चोर का, मेरे चिट्ठी चोर का, तूने नजर का मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। आप बैठ जाओ सब, सब बैठ जाओ, जल्दी बैठो। कई लोग तो अपने आप को यंग दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी तो अर्शी भी यंग है, उम्री तो 65 है। अब जो यंग अभी तक बैठे हुए थे उनको एक और मौका दे रहा हूं, लास्ट।
जो बैठे हुए थे, जो खड़े नृत्य कर रहे थे उनको नहीं, ताली बजाने जोर से, और जिनको मौका दे रहा हूं उनको सोचना है। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया भोले वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया भोले वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर से नजर मिल गई है, मुरझाए दिल की कली खिल 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 गई है। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल का निशाना हो गया मुरली वाले क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। कितने किस्मत वाले हैं वो लोग जो ठाकुर के आगे इतने प्यार से नाच सकते हैं, उनका लिंक बना सकते हैं अपना। उन्हें पता है मेरा रिश्ता मेरे ठाकुर के साथ पक्का और मजबूत बन रहा, और वो लोग जरा सोच लो जो अभी तक नजरें झुकाए बैठे हो, क्या गुनाह कर दिए हो जो अभी तक ठाकुर के आगे नाचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। कुछ गुनाह तो किए होंगे, नहीं? जोर से बोलना पड़ेगा। आइए, प्रहलाद जी ने देखा स्वयं भगवान की सुंदरता को और उन्हें लगा ये तो गजब हो गया, अब तक मैं कांच को ही हीरा समझ रहा था, अब तक मैं कांच को ही हीरा समझ रहा था, हीरा तो कुछ और है, और आज हीरा का दर्शन हुआ तो कांच की वैल्यू समाप्त हो गई। असली जगदीश तो यह है, मेरा जगदीश तो यह है। और जैसे भगवान अदृश्य हुए, प्रहलाद ने उस मिट्टी के पात्र बनाने वाली के पैर पकड़ लिए। तू मेरी माँ है, तू मेरी गुरु है, तू जो सजा देना चाहे दे दे, आज जो तू कहेगी मैं वही करूँगा, जो सजा दे। देखिए, सजा देते हैं दूसरे लोग, भगवान के भक्त सजा नहीं देते, भगवान के भक्त क्षमादान देते हैं। बड़ा वो नहीं होता जो बदले की भावना से काम करता है, बड़ा वो होता है जो क्षमादान करता है। क्या करता है? क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दान है, किसी कोई अपराध कर दे उसे तुम क्षमा करने की हिम्मत रख सको, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा स्वभाव है। भगवान का सबसे बड़ा स्वभाव क्या है? ये पूरा विश्व गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है और एक बार हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेता है, भगवान क्षमा कर देते हैं। वैसे भक्तों का भी स्वभाव होना चाहिए। क्षमा मांगी, उन्होंने कहा तथास्तु। उन्होंने मां ने कहा नहीं, मुझे तुम्हें कोई दंड नहीं देना, कोई सजा नहीं देनी, मुझे तो तुमसे एक काम करवाना है। जो प्रेम का दीपक तुम्हारे दिल में आज जला है हरि का दर्शन करके, यही प्रेम का दीपक पूरे दुनिया में जला दो और उनको बता दो कि तुम्हारा पिता जगदीश नहीं है, जगदीश कोई और है। प्रहलाद को मारने के लिए विष भेजते, विष, और भोलेनाथ से कहते इसे अमृत बना लो तो अमृत बाप बना देते भोले बाबा, उस विष को अमृत बना देते। सर्प को भेजते प्रहलाद को मारने के लिए कि सर्प डस लेगा। अब उस सर्प को देख के पहले तो प्रहलाद डरते हैं, फिर बाद में लगता है नहीं, इस सर्प का भी रंग काला है और मेरे भगवान का भी रंग, तो मेरा भगवान ही तो मुझसे मिलने आया है। और जब उस सर्प से कहा दूर क्यों खड़े हो, आओ ना मेरे हृदय लग जाओ,
तो सर्प में से नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, कोई अगर ये समझे कि भक्ति करने से संपत्ति आती है तो ये गलत बात है। भक्त कोई ऐसा नहीं हो सकते, भक्त की भगवान परीक्षा भी लेते हैं। अब ये 7 बरस का बच्चा है प्रहलाद, और परीक्षा कितनी ली जा रही है, कितनी भारी परीक्षा ली जा रही है, कितनी बड़ी परीक्षा ली जा रही है। पहले विष भेजा, फिर सर्प भेजा, और सर्प में से नारायण भगवान प्रकट हो गए। किसकी वजह से? विश्वास की वजह से। किसकी वजह से? हमें और आपको भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि विश्वास नहीं है। हमें जिन पे विश्वास है वो बिलीवेबल नहीं है, और जो बिलीवेबल है उस पे हमें विश्वास करने योग्य सिर्फ परमात्मा है और कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब उस सर्प को देखा, उसमें से नारायण प्रकट हुए। नारायण भगवान से प्रहलाद कहते हैं, तू इतना बता काना, तेरा रंग काला क्यों, काला हो करके भी तू जग से निराला क्यों। काले हैं लेकिन जग से। यहां पर कई लोग गोरे गोरे ऐसे भी बैठे कि सिर्फ गोरे ही गोरे हैं, बाकी कुछ नहीं। कौन कहता है सिर्फ गोरे ही लोग सुंदर होते हैं? कई काले इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, जीती जागती मिसाल मेरा ठाकुर जी है, एकदम काला, एकदम काला लेकिन दुनिया से निराला। कितना निराला है अब देखो, कितने पागल कर रखे इसने, नहीं है? घर छोड़ के बैठे, बीवी बच्चों को छोड़ के बैठे, मोह छोड़ के बैठे, काम धंधा सब छोड़ के बैठे, किसके लिए? और बताओ, दुनिया कहती है गोरे सुंदर होते, कहां होते, कितने होंदे ने बताओ, गोरे सुंदर होंदे ने काले? क्या सुंदरता ऐसा। और वो सिर्फ काला ही नहीं है, कई जगह से टेढ़ा भी है। साहब एक बात तो जानते ना, बड़े लोग जो भी करें वो स्टाइल हो जाता है, नहीं? बड़े लोग जो भी कर, आजकल बड़े लोग बच्चे कपड़े फटे हुए पहनते, वो भी स्टाइल है। पहले फटे हुए कपड़े गरीब पहनते थे, बोलो हाँ या ना भाई? अब अच्छे हैं नहीं, नए हैं नहीं, तो क्या करें? आजकल अमीर लोग फटे हुए कपड़े पहनते, अब ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया कि वो गरीब थे कि ये गरीब है। जितने भी यंग बच्चे बैठे, मैं आपसे एक बात कहूंगा, फटा हुआ कपड़ा पहनना अशुभ होता है। पिच पिच नहीं, समझो इस बात को। जितने भी यहां बैठे हैं वो समझ लो कि फटे हुए कपड़े चाहे कितने भी स्टाइलिश हों, अशुभ है। भगवान ने इतना दिया है तो अच्छा पहन, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। स्टाइल बना वो बढ़िया वाला। आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं जो यहां बैठे, अब साबुत का स्टाइल देखो, काला तो है ही है, कई जगह से टेढ़ा भी है, और फिर भी दुनिया उसके पीछे पागल है कि नहीं, बताना? नहीं है? अच्छा साहब, जिसको पता हो मेरे पीछे दुनिया है पागल है तो उसके नखरे नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे? ये जो 2-3 यहां पर कोई थोड़े थोड़े सुंदर फेस हो, उनको भी थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है जब उनसे 2-4 लोग नंबर मांग ले ना, प्लीज गिव मी योर नंबर, व्हाट्स योर नेम, आई वांट टू टॉक टू यू, इतने में एटीट्यूड बढ़ जाता है उनका? नहीं बढ़ता? देखो कितने चली है एटीट्यूड। थोड़े थोड़े भी फेस सुंदर हो, लड़की हो या लड़के, उससे फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों के भी काफी एटीट्यूड होते हैं, नहीं होते? नहीं होते? हाँ, की बात कर दे, देखो कितने बड़े गजब के नंबर मांग लो, फिर तो वो ऐसे चलते हैं, नो आई डोंट वांट टू टॉक, नहीं नहीं
हम लोग बात नहीं करते, थोड़ा दूर बना। फिर वो नहीं, हम ज्यादा तक नहीं करेंगे, बस कभी कभार। नहीं, आपको टीवी पे देखा है, अच्छे लगते हैं। कभी कभी जो बहुत जरूरी काम हो तब थोड़ा समझो, थोड़ा एटीट्यूड के मारे ठंडा ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। फिर देखो, और जब दो चारों के ये हाल है, जब दो चार चाहने वाले हो जाएं, जब ये हाल हो तो जिसके लाखों चाहने वाले होंगे उसका क्या हाल होगा? बोलिए। ये माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, ये माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अभी पागलपंती नहीं तो क्या है? जब पता है कि उसके चाहने वालों की ऑलरेडी लाइन लग रही है तो फिर गैलरी में लाइन लगाना जरूरी है। देखो बाहर भी लगी पड़ी है, उत्ते इत्ते ही नहीं, इत्ते उत्ते उत्ते भी है गिने, और जिनका वीआईपी कट है वो इधर से भी मार रहे ने कुछ। अब जब हमें ये पता हो कि उसके चाहने वाले बहुत है तो जरूरी लाइन में खड़ा होना है। लेकिन आता है साहब, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए लाइन में लग के ही आनंद आता है। अरे जिसने प्रीति की नहीं, जिसने प्यार किया नहीं, वो क्या जाने प्रेम का हाल क्या होता है। ये क्या जाने ढोलों पे नाचने वाले, कभी दिल की तरंगों पे नाचो तो जाने प्यारे फिर आनंद आता है। अरे ढोल पे तो गधे भी नाच लेते, घोड़े नहीं डांस करते। तोड़े पंजाबीच तो बड़े घोड़ी नू सजा के ढोल पे नचांदे ने, नहीं नचांदे? बोलो ना। जब घोड़ी नाच रही है, घोड़ा नाच रहा है, गधा नाच रहा है, अब हमें क्या पता कौन कौन ढोल पे नाच रहा है। ढोल पे नाचने वालों की कोई कमी नहीं है, नाचना तो उसका मेरे प्यारे जो कभी कन्हैया के प्रेम के दिल की तरंगों पर नाचे। और वो तरंगे सिर्फ दो ही सुनते, एक जो बजा रहा है और एक जिसकी वजह से बज रही है। दो ही जाने और कोई नहीं जाने, कहां जानेंगे वो, कहां उनको समझ में आएगा। दुनिया के पीछे प्रेम की बांसुरी बजाने वाले, तेरा बैंड बजेगा किसी दिन। दुनिया के पीछे प्रेम की बांसुरी बजाने वालों का बैंड बजता है, लेकिन जो मेरे सांवरे की बांसुरी पे प्रेम के दीवाने हो जाते हैं उनका तो फिर जवाब नहीं। ये माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो दीवानों के घर सांवरे आते रहा करो, दीवानों के घर भी सांवरे आते रहा करो। लागे नहीं सुना था, मेरी मर्जी, इट्स माय चॉइस माय डियर, आई से आई सिंगिंग वट एवर आई लाइक, राइट? क्या बोलना पड़ेगा?
जैसे तुम्हारी चॉइस है कि कब आना है और कब जाना है, वैसे ही मेरी चॉइस है कि कब गाना है और क्या गाना है। प्रहलाद को भगवान सर्प में नजर आता है और हमें मंदिर में भी नजर नहीं आता। लिसन टू मी माय डियर, प्रहलाद को भगवान सर्प में नजर आता है, खंबे में नजर आता है, और मुझे भगवान मंदिर में भी नजर नहीं आता। इसका मतलब कुछ दोष है आंखों में, कोई तो कसूर होगा आंखों में। जिनकी आंखों का कसूर होता है उनसे मेरा कन्हैया बहुत दूर होता है। जिनकी आंखों में कुछ कसूर होता है उनसे मेरा कन्हैया बहुत दूर होता है। जो मिटा देते ने अपने आंखों के कसूर को, वो मेरे उनका कन्हैया उनके बहुत करीब होता है, उनके बहुत करीब। तो मेरे प्यारे हो, प्रहलाद ने इस हद तक भक्ति की कि प्रहलाद ने भगवान को खंबे में से प्रकट कर लिया। आग में चले गए प्रहलाद, लेकिन आग जला नहीं सकी। हिरण्यकश्यप की शक्ति प्रहलाद को पीछे हटा ना सकी। तो उसकी भक्ति में दम होगा, और वो छोटा सा बच्चा था, निक्का सा, 7 साल का। कितने साल का? तो सीख कितने साल के हो? से सानू बिलीव ही नहीं होता। ले ले बेचे बिलीव ले जा। उपन्यास पढ़ेगा बिलीव नहीं होता, मूवी देखेगा बिलीव नहीं होता, सीरियल देखेगा बिलीव नहीं होता, इंटरनेट पे भिड़ा पड़ा रहता है फिर भी कहते बिलीव नहीं होता। कल बिलीव धरे बिलीव ना मेज और आजा। बिलीव बिलीव करता है। अरे भगवान की कथा सुन, अभी विद इन सेकेंड बिलीव हो जाएगा, 5 मिनट में बिलीव हो जाएगा। उपन्यास पढ़ने वालों को यकीन नहीं होता, लेकिन कथा सुनने वालों को यकीन होता है। मेरे प्यारे बोलिए, आज और कल में किसका विश्वास इंक्रीज हुआ है? जिन्हें लगता है कि इन 2 दिन की कथा ने मेरा विश्वास और बढ़ाया है, हुआ है कि नहीं? तो मैं किसकी कथा सुना रहा हूं? किसी हीरो की तो नहीं सुना रहा, हीरोइन की तो नहीं सुना रहा। हमारी लड़कियां हीरोइन को देख देख कर मुंबई भाग जाती हैं और वहां से तबाह होकर वापस आती हैं। हमारे लड़के जीवन भर ढक्के खाते रहते, मुझे हीरो बनना है, हीरो बनना है, और वहां से ढक्के खा के वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी के पास पहुंच जाते कथा सुन सुन के, तो ऐसा हीरो बना देते, ऐसा हीरो बना देते। प्रूफ दूं कि नहीं? प्रूफ दूं कि नहीं? बोलिए, मैं वृंदावन भाग के गया कि मुंबई? मैं कहां भाग के गया? जवाब दीजिए। मुझे क्या मिला? ये मिला कि मैं यहां बैठा हूं और तुम वहां बैठे हो। किसकी बदौलत? मेरे श्याम प्यारे की बदौलत। मैं मुंबई भाग के नहीं गया, मैं वृंदावन में रहा। और आज देख लो, तुम्हारे आगे उदाहरण है इस बात का। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे नौजवान भाई बहन, आपसे कह रहा हूं, जो प्रहलाद को दर्शन दे सकता है वो तुम्हें भी देगा। लेकिन विश्वास करो, पहले पहली चीज ही है विश्वास। जब विश्वास कर लोगे, मेरा ठाकुर आपको मिलेगा मिलेगा। फिर एक बात कह रहा हूं, भक्ति की कोई उम्र, और जितनी जल्दी कर डालो उतना ज्यादा बढ़िया। जितनी जल्दी कर डालो, आज मींस आज, अभी कर सकते हो मींस अभी से शुरू कर दो। कल नाम काल का है। हम जब 17.5 साल के थे ना, तब से कथा कर रहे हैं। 18 साल हो गई हमको कथा कहते कहते। 1897 से कथा कर रहे हैं। 7 से लगा लो कितने साल हो, कितने हो गए भाई? मेरा गणित खराब है।
97 मार्च से कथा शुरू की है तो अभी मई चल रहा है। अब लगा लो 17.5 साल के थे तो उम्र की कोई सीमा नहीं है इसमें। अब मैं ये सो नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी छोटी सी उम्र का सीखा तदों प्रचार कर दी, नहीं कोई कोई वो भगवान चाहे तो हुआ, नहीं चाहता तो 70 साल के भी हो जाओ तो नहीं होता है। अब तुम अपने आप का सिलेक्शन करा सको इतनी हिम्मत तुम में होनी चाहिए। पकड़ा दो अपना हाथ कन्हैया को और कह दो जैसे प्रहलाद का हाथ पकड़ा वैसे मेरा भी पकड़ लो मेरे प्यारे, जैसे ध्रुव का पकड़ा वैसे मेरा भी पकड़ लो, मीरा की तरह मेरा भी हाथ पकड़ लो और मुझे छोड़ना मत मेरे प्यारे। मैं जानता हूं इस लायक नहीं पर आप पकड़ लो तो आपकी महानता तो हर किसी को तार सकती है मेरे प्यारे, हर किसी को तार सकती है। कौन कौन चाहता है ठाकुर पकड़ ले तुम्हारी बां है? असि तुसी पढ़ते ने साड़ी बां तो असी रुल जाना सी। अब मैंने सुना नहीं वो भजन, फिर कभी सुनूंगा तो गाऊंगा। अभी आइए कृष्ण महोत्सव की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम और आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रहलाद चरित्र मैंने आपको इसलिए सुनाया जिससे आपकी भक्ति इंक्रीज हो सके, आगे बढ़ सके, बजे भगवान के भक्तों की कथा ही हमको भक्त बनने के लिए तैयार करती है। इसलिए भगवान की कथा हमको हमेशा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र जैसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की है वैसे ही हमारी भी करे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है आप सब बैठे हाथ जोड़े, कन्हैया आने वाले हैं उनका इंतजार करें, उनका स्वागत करें। मैं तो कह रहा हूं 8 फरवरी 2016 ठाकुर जी के मंदिर का भव्य उद्घाटन। अगर ठाकुर से प्रेम करते हो तो वहां आकर दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करिए उनका, क्योंकि वो हमारे प्रियतम आने वाले हैं। जो चाहे हो जाए लेकिन हम अपने ठाकुर का स्वागत वहीं करें, चल के वृंदावन उन्हीं के ब्याह, इसीलिए तो आए लुधियाना, इसीलिए तो पूरा पंजाब का ट्रिप किया है जिससे हम लोग जहां जहां नहीं जा पाए बहुत कम समय में वहां वहां जाए और सबको बुलाएं कि आप आइए कन्हैया के मित्र बनकर, कन्हैया के भक्त बनकर, कन्हैया के सखा बनकर और स्वागत करिए 2016 8 फेर और आप पहुंचे। पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे, पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम निकाली, हो पत्थर के मठ पे रहती माँ मेरी शेरा वाली, पत्थर के राधा प्यारी। बड़ा जिसमें
सा पत्थर घर पे पड़ा जिसमें था तू बसा। पत्थर के ही है मेरे बांके बिहार, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंतारी। पत्थर की नारी अहिल्या भग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में माँ मेरी पे पत्थर पानी बीच बहाए, पत्थर पानी बीच बहाए, बह गए पानी में पत्थर देखा जब सेना ने मेरे राम से पत्थर घिसके पैदा होती चिंतारी। पत्थर की नारी अहिल्या भग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में पहली माँ मेरी सेनानी। पत्थर की राधारानी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधारानी। एक बार जोर से बोलेंगे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे। अभी मुझे जो पता लगा कि सिर्फ 20 लोग ही आए हैं, तो सोने की और कहा पांच अब के लिए, पांच जब के लिए, पांच नब के लिए, न जब के लिए। एकदम ध्यान से सुनना, क्या कहा? पांच अब के लिए, पांच जब के लिए, पांच नब के लिए, न जब के लिए। दूसरे दिन बीरबल आए, बोले काम कर लाए? बोले जी कर लाया। बताओ क्या काम कहा था? बोले आप बताओ जी आपने क्या कहा था? बोले हमने तुम्हें 15 सरफी दी थी, पांच हमने कहा था, पांच अब के लिए। सामने मिठाइयों का डिब्बा रख दिया, खा लो ये आपके अब के लिए। हमने कहा आप था पांच जब के लिए। बोले एक जगह पे मंदिर बन रहा था, हम उसमें दे आए, वो आपके जब के लिए। बोले हमने कहा था पांच नव के लिए, न जब के लिए। बोले जब रास्ते में आ रहा था तो एक नाचने वाली नाच रही थी, मैं उसे दे आया, न वो आपके अब के लिए है, न वो आपके जब के लिए, वो आपके काम। हमारा अधिकांश इन्वेस्टमेंट होता कहाँ है? न अब के काम आता है, न तब के काम आता है। तो जब के लिए भी कुछ कमाई कर लेनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। उग्रसेन के पुत्र हैं कंस, जिसने अपनी बहन देवकी का विवाह किया था वसुदेव जी के साथ में। देवकी को कारागार में डाल दिया, 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे और उनको योग माया के प्रभाव से रोहिणी जी के घर में पहुंचा दिया। अब श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है, आप दोनों हाथ जोड़ें और कृष्ण दर्शन करेंगे। और कहते हैं जो भगवान के मंगल में शामिल होते हैं उनके घरों में मंगल होता है। जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए हमारे मध्य में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, उनका दर्शन करें और उसके बाद सब कन्हैया की बधाई में झूमेंगे और आज सब लोग मिलके नाचेंगे। आज नहीं नाचे तो फिर कब नाचोगे? आज ठाकुर जी की बधाई में झूमेंगे सभी। और आप लोग सभी यही समझे कि हम सब ब्रजवासी हैं, कोई ये नहीं समझे असली लुधियाना वासी। अरे लुधियाना वासी जिंदगी भर रहे ही हो,
थोड़ी देर के लिए ब्रजवासी बन जाइए हमारे साथ में, सब लोग मिल जाएं और सब यही समझें कि हम ठाकुर जी के ब्रजवासी हैं। दोनों हाथ जोड़िए, कोई खड़ा नहीं होगा। आई जमुना अचक चढ़े आई जमुना, आई जमुना अचक चढ़े आई जमुना, आवत 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 देखो तो अचक चढ़े आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना, आई जमुना अचक चढ़े आई जमुना, आई जमुना अचक चढ़े आई जमुना, आवत 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 देखो तो अचक चढ़े आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, 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 हाथी घोड़ा पाल ली जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल ली जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ मथुरा से आए नंदलाल, 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 गोपियों से पड़े गया यहाँ पाला, ओ गोपियों से पड़े गए जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, नी मैनू नचना मैनू नचना सन देना, अज मैनू नच लैण दे, मैनू नचना मोहन देना, अज मैनू नच लैण दे, नचना मोहन देना, अज मैनू नच लैण दे, मैनू नचना मोहन देना, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे 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 मैनू नच लैण दे, मैनू नचना ओ मैनू नचना,
मैंने नचना मोहन देना नच लैन दे नचना मोहन देना अज मैं नच लैन शिरा कैसे नाचना पैरां दे बिच घुंघरू पाके 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 अपने श्याम दी जोगन बन के अपने श्याम दी जोगन बन के लगिया मैं लगिया लगिया उला दे नाल अज मैं नच लैन दे मैं लगिया उला दे नाल अज मैं नच लैन दे सब पंजाबी है ने पक्का पक्का जब तुम्हारे यहां कुछ भी अच्छा होता है तो आप क्या करते हो जोर से बोलो भाई अपना अपना कल्चर होता है हमारे यहां ब्रज के रसिया गाए जाते हैं और तुम्हारे यहां भंगड़ा पाव जाता है की पांडन है आज कन्हैया हमारे आए हैं तो की पावांगे पावांगे कि नहीं जो जो सच्चा पंजाबी है और जो जो सच्चा कन्हैया का भक्त है हमारे म्यूजिशियन बजावांगे भंगड़ा और ते तुसी पावोगे और जो जो है वो तो करें और जो नकली है उनका असली की कर सकते रे भाई है असली सब करेंगे राधे नहीं चलेगी
मुझे पता है काफी नकली भी आए हुए हैं, कई तो मोबाइल को ही पीट रहे ने, कई हाथ पीट रहे ने, पर कर कुछ नहीं रहे ने। ऐ तुम्हारे आलूओं के पराठे तुम्हारा भला करे भगवान। ऐ चकाचक होना चाहिए था। और भाई बढ़िया वाला बजाइए, बजा रहे जोरदार। जोर से बोलना पड़ेगा। आगे बिहारी तेरी आरती पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 121,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088
44453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756408। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vsscity.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।